और फर्स्ट वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। मैं बहुत सारी चीजें जो है बहुत ही टू द पॉइंट एंड ब्रूटली ऑनेस्ट होके यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ बोलने वाला हूँ एंड शेयर करने वाला हूँ। एंड सबसे पहली बात तो ये अपडेट आज से 7 दिन पहले की है। यूजुअली जो भी अभी अपडेट्स आ रही है वो एक एक दो दो दिन के बाद ही मैं आपको दे रहा हूँ गाइज यहाँ पर, लेकिन ये अपडेट जो है वो 7 दिन के बाद दे रहा हूँ। क्योंकि गाइज पिछले 7 दिनों से अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पर इसके बारे में ना जिक्र किया गया है ना बात की गई है। क्योंकि गाइज ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हुआ है जहां पर जो फिल्मी लोग हैं, एस्पेशली जो बॉलीवुड क्राउड जो है, जो इंडियन सिनेमा पैन या सिनेमा को फॉलो करता है, वो बहुत ही रेयर विजिट्स जो है देता है। अभी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे भारती का जो शो है, जो पॉडकास्ट करती है अपने पति के साथ, हर्ष के साथ, वो मुझे दिखाई दिया। एंड वहां पर मुझे रमेश तौरानी दिखाई दिया। तो भैया हमने सोचा कि 2018 की जरा यादें ताजा कर लेते हैं, हम यहां पर ईद में हमको रमेश जी ने स्त्री का तोहफा दिया था। तो गाइस अ कैजुअल विजिट यू नो टू दैट पॉडकास्ट एंड दैट इंटरव्यू लेफ्ट मी शेल शॉक्ड। यू नो मैंने फॉरवर्ड किया, मैंने वो टाइम स्टैम्प्स देखे कि रमेश तौरानी क्या क्या बोल रहा है इतने साल के बाद। उसका ज्ञान जो है वो सिर्फ स्नीकर्स के ऊपर है या फिर फिल्मों के ऊपर भी है। एंड टू माई शॉक एंड टू माई सरप्राइज रमेश तौरानी जी ने कहा कि मेरी आने वाली फिल्मों में से पहली फिल्म पापा धवन, यानी कि वरुण धवन के पिताजी डेविड धवन एंड वरुण धवन के साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ। एंड इस साल के अंत होते होते मैं Race 4 बना रहा हूँ। Yes friends, the biggest breaking news is that Ramesh Tarani has confirmed Race 4 at the end of 2024 and iska zikr pure media mein nahi ho raha hai. Now, is it a joke? Is it a prank? क्या ये बननी चाहिए, क्या ये नहीं बननी चाहिए, ये आज का सबसे बड़ा डिस्कशन है। क्योंकि गाइस एक इंसान एक फिल्म को फ्लोर पर कब ले जाता है? जब उसका कोई स्टोरी, कोई प्लॉट लाइन उसके दिमाग में हो तब उसको फ्लोर्स पर ले जाता है, जब उसके बाद एक पूरा आइडिया हो तब फ्लोर्स पर ले जाता है। आज के जमाने में जहां पर फिल्में शूट हो चुकी है, फ्लोर्स पर चली गई है, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेज यहां पर अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, वहां पर एक प्रोड्यूसर रमेश तौरानी आकर कह रहा है कि मेरे फिल्म का 4th पार्ट जो है फ्रेंचाइजी का, वो मैं फ्लोर्स पर ले जा रहा हूं। Race 3 वॉज अ मनी स्पिनर। इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर द प्रोड्यूसर्स। सलमान खान का स्टारडम इस लेवल पर था कि सलमान खान की फिल्में जो 300-300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करती थी वो भी लोगों को कम लगता है। आलम कुछ इस तरह से था कि 210 करोड़ रुपीज भारत लोगों को आज भी बॉक्स ऑफिस पे कम लगता है। एंड पैंडेमिक के बाद जब 300-350 करोड़ 250 करोड़ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 50-55-60 करोड़ रुपीज का बिजनेस करके डिजास्टर टैक्स लेने लग गई, तब लोगों को सलमान खान का बॉक्स ऑफिस क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, ये पता चला। सलमान खान हैज गिवन अ वेरी रेयर डिजास्टर इन हिज करियर। आई मीन अगर मैं 2010 के बाद से देखूं तो सलमान खान की कोई फिल्म डिजास्टर तो हुई नहीं है। फ्लॉप दूर की बात है, अंतिम के बारे में बात करें तो गाइज उसमें उनका पूरा रोल तो था नहीं। गाइज यहाँ पर किसी का भाई किसी की जान लिविंग असाइड, डिजास्टर नाम सलमान खान से कभी जुड़ा है ही नहीं। गाइज ही हैज ऑलवेज अर्न मनी फॉर इट्स मेकर्स। इवन किसी का भाई किसी की जान 100 करोड़ रुपीज है तो बॉक्स ऑफिस नॉट अ डिजास्टर उन फिल्मों में से नहीं है। जो 200-240 करोड़ की फिल्में हैं बॉक्स ऑफिस पर 55-60 करोड़ रुपया 3-3-4-4 हफ्ते रेंगते हुए कमाई है, उन फिल्मों में से नहीं है। गाइज यहाँ पर दिस वॉज अ सॉलिड मनी अर्नर, दैट वॉज Race 3। तो क्या Race 4 बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? माई आंसर इज अ कंप्लीट येस। मास फिल्म्स, फ्रेंचाइजी फिल्म्स, यही सिनेमा घरों को जो है वो चलाती है, रिवाइव करती है, ऑफ बीट सिनेमा, यूट्यूब पे रिव्यूज देने के लिए, सोशल मीडिया पर कूल बनने के लिए बहुत अच्छा है, वेरी वेल अप्रिशिएटेड। ऐसी फिल्में सिनेमा घर नहीं चलाती। जितना एक्लेम और जितना यू नो एक्लेड एक लापता लेडीज को सो कॉल्ड मिला है गाइस यहां पर, क्या एक लापता लेडीज एक सिनेमा घर को चला सकती है या नहीं? नहीं। डिस्पाइट बीइंग फॉर नेम सेक इन द सिनेमा हॉल फॉर 80 डेज, 100 डेज, 150 डेज, 365 डेज, उसके कलेक्शंस वहीं के वहीं पर है। मास फिल्में ही सिनेमा घर को चलाती है। एट द एंड ऑफ द डे इज द बिजनेस विच इज मैटर्स। कोई भी फिल्म बनाता है वो पैसे के लिए ही बनाता है। 100 बात की एक बात है, ज्ञान को साइड में रखते हैं, Race 4 विल बी अ मनी स्पिनर। ये फिल्म ओपनिंग बाप लेवल की लेगी, ये फिल्म वीकेंड बाप लेवल की लेगी। एंड अगर इसके जो ओरिजिनल डायरेक्टर्स है अब्बास मस्तान वो वापस आए तो ये फिल्म भी बाप लेवल पर जाएगी, बस इसका स्टारकास्ट जो है वो करेक्ट बैठना है। तो क्या सलमान खान इसमें वापस आएंगे? क्या इट्स गोना बी सैफ अली खान वर्सेस सलमान खान?
ये सारी चीजें अभी फिलहाल रमेश तौरान ही बता सकता है, या फिर अगर उसका मूड हुआ तो कोई पोर्टल को पकड़ेगा, कोई वेबसाइट को पकड़ेगा एंड उसको वो सारे के सारी डिटेल्स जो है वो शेयर करेगा एंड किसी ना किसी दिन हमें एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल मिलेगा जहां पर एक खबरें जो है वो हमारे सामने आएगी। फिलहाल रमेश तौरानी ने कन्फर्म कर दिया है कि रेस्त्री, जिसने ऑलमोस्ट 170 प्लस करोड़ का इंडिया नेट, 300 प्लस करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था, जो कुछ ढक्कन लोगों को आज भी कम लगता है, अब कम नहीं लगेगा क्योंकि आने वाले कुछ पिछले 2-3 सालों में उनको पता चल गया है कि डिजास्टर वर्ड्स जो है वो क्या होते हैं। आई एम नॉट ब्रैगिंग सलमान खान बॉक्स ऑफिस, ही हैज डन इट, उनकी जो सबसे कम कम फिल्में भी है ना वो भी 100 करोड़ का बिजनेस करती है। तो इफ सलमान खान इज कमिंग बैक टू रेस 4 विद अ ह्यूज स्टार कास्ट, इफ सैफ अली खान इज कमिंग बैक विथ हिम, इफ अब्बास मस्ताना डायरेक्टिंग द फिल्म अगेन, तभी रेस 4 बनाना। बकवास लोगों को लेकर रेस 4 बनाने की कोई जरूरत नहीं गाइस, यहाँ पर समझ में आ रहा है, सिर्फ नाम के लिए मत बनाना। ऐसे इश्क विश्क रिबाउंड आ रहा है, तौरानी जी की फिल्म है, शाहिद नहीं है, कौन कौन इमरान खान, कौन कौन लड़के उसके अंदर, वो सब देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। वो फिल्म जून में आ रही है। फिलहाल रमेश तौरानी ने रेस 4 अनाउंस कर दी है, यहाँ पर के इस साल के अंत में शूट हो रहा है। अब क्या सलमान खान आएंगे, नहीं आएंगे, सैफ अली खान होंगे, अब्बास मस्तान डायरेक्ट करेगा, ये सब मेरे को नहीं मालूम। फिलहाल ये 7 दिन पहले की खबर थी जो आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, एंड आई थिंक अब सोशल मीडिया पर थोड़ा वायरल होगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।